जब से एक्ट्रेस स्वरा भास्कर और सपानीता फहद अहमद की शादी की खबर सामने आई है, तब से सोशल मीडिया पर बवाल छिड़ गया है। दोनों लव बर्ड्स को लगातार ट्रोल्स का सामना करना पड़ रहा है। अलग अलग समुदाय से ताल्लुक रखने के बावजूद शादी करने के बाद कुछ लोगों को हजम नहीं हुई। इसी बीच स्वरा का एक पुराना ट्वीट भी वायरल हुआ, जिसमें स्वरा भास्कर ने अपने पति फहद अहमद को भाई बुलाया था, और इसके बाद सोशल मीडिया पर ट्रोल्स की बारिश होने लगी। स्वरा भास्कर और फहद अहमद दोनों को इस बात के लिए ट्रोल किया गया कि कोई अपने पति को भाई कैसे बुला सकता है। इसी ट्वीट पर ट्रोल कर रहे लोगों को अब फहद अहमद ने मुंह तोड़ जवाब देने की कोशिश की है। रविवार के दिन बड़े मजाकिया अंदाज में फहद अहमद ने लिखा, संगियों ने ये तो माना कि हिंदू मुस्लिम भाई बहन हो सकते हैं, बस ये और मान लो कि पति पत्नी मजाक भी कर सकते हैं। फहद अहमद ने अपनी ओर से ये ट्वीट तो कर दिया, लेकिन इसके बाद कुछ लोग और भी भड़क गए। इस ट्वीट पर कमेंट करते हुए कुछ लोगों ने उन पर जमकर निशाना साधा। एक यूजर लिखते हैं, अपनी बहन से कितना मजाक करना है तुमसे नहीं सीखना गुरु, तुम तो मजाक मजाक में शादी कर लिए बहन से। वहीं एक और यूजर ने लिखा, कभी अपनी सगी बहन से बीवी वाला मजाक मत कर देना। एक और यूजर ने लिखा, हमारे यहाँ मजाक में भी पत्नी भाई नहीं बोलती पति को। कुछ लोगों ने कमेंट सेक्शन में फहद अहमद से उन मौलानाओं के बयानों पर भी प्रतिक्रिया देने के लिए कहा जो इस शादी को नाजायज बता रहे हैं। आपको बताते चलें, शिकागो में रहने वाले यासिर नदीम नाम के इस्लामिक स्कॉलर ने हाल ही में इस निकाह को नाजायज बताया था। इसके बाद बरेली के मौलाना शाबुद्दीन रिजवी की तरफ से भी ये बयान सामने आया था कि जब तक स्वरा इस्लाम कबूल नहीं करती तब तक इस शादी को जायज नहीं माना जाएगा। हालांकि स्वरा भास्कर और फहद अहमद के ट्वीट पर लगातार कुछ लोगों का सपोर्ट भी मिलता नजर आ रहा है। एक यूजर लिखते हैं, संगी कबूल करें या ना करें, इतिहास तो रच दिया है, अपने दिल की गहराइयों से आपको मुबारकबाद। एक और यूजर लिखते हैं, फहद भाई संगियों को हिंदू मुस्लिम एकता से भी परहेज है और पति पत्नी जैसे पवित्र रिश्ते से भी। आजादी से पहले भी और आज भी ये अपनी एनर्जी गलत दिशा में लगा रहे हैं। गौरतलब है, सोशल मीडिया के जरिए 16 फरवरी को स्वरा भास्कर ने अपने और फहद अहमद की शादी के बारे में जानकारी दी। इस दौरान स्वरा भास्कर ने एक स्पेशल वीडियो शेयर किया, जिसमें उनकी और फहद अहमद की लव स्टोरी को साफ तौर पर देखा जा सकता है। ये शादी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत की गई है। बताया जा रहा है कि शादी के लिए दोनों ने जरूरी कागजात 6 जनवरी 2023 को ही जमा करा दिए थे।